अब आएगा आर ई सी लिखेगा जिसमें आर ई सी है जो रिकॉर्ड लिखता है कि रिकॉर्ड। तो मजलहा में आपने अभी देखा कि हमारे आचार्य महेश जी द्वारा राम सिंह की प्रेरणा से एक यादव जी द्वारा काले मुंह वाले बंदरों का भोज और पेड़ से उतर के हाथों से लिया, अपने आप में एक बड़ी बात है। अन्य जगहों पर आप जाएंगे तो काले मुंह के बंदर आदमी को देख के भागते हैं दूर, वो कहते हैं भैया दूर रहो। खैर, तो यह राम सिंह जी के यहाँ उनके लोगों के प्रयास से यहाँ मझलहा में आपने भोज देखा, बाल भोज मैंने दिखाया, और ये इस कैमरे के जरिए मैं दुनिया को जितने धनाढ्य हैं बड़े बड़े शहरों में शरबत बांटने वाले बजरंग बली के नाम से आडंबर करने वाले, पहले ऐसे काम को करवा करके, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी की कमी नहीं है, बैठो और आके करो। अगर अपना तुमको काम बनाना है तो रायबरेली में पीपल वाले हनुमान जी का जब भी भंडारा होता है तो वहाँ का मुख्य जो मुखिया है कार्यकर्ता कैलाश पान वाला, वो बिहार का रहने वाला है, वो 5 बजे भोर में पूरी निकलवाता है, पहला काम बंदर के लिए। और मेरे दरवाजे मैं सो के उठता हूँ कि दर पूरी आ जाती, और उसी समय बिना इन्हें अब हम नहाएं और टीका लगावें जितने आडम्बर करेंगे उतना ही धर्म आपका पीछे हो जाएगा। भैया कोई जरूरत नहीं, इसको रखिए, दिल में जगह होनी चाहिए। इस लोक जलाक में आपने अपने घर बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा आडम्बर करोगे कार्य छोटा हो जाता है, हमको लोग काहे पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ कोई आडम्बर नहीं। तो बाबा मुरारी ने रोखा में यही तो कहा डॉक्टर श्याम बाबा से हंसी मजाक में कि ऐसा सस्ता बाबा कहाँ मिलेगा कि हजारों रुपए की सीढ़ी बनावे, न दान ले न दक्षिणा ले। खाया बाबा ने कितना, वो बाबा श्याम के नहरिया से पूछ लो मोबाइल करके, यही लागे कि बाबा का खाएंगे एक पूड़ी, वो भी जबरदस्ती नहीं, हमने कहा सब्जी दे दो, कहें नहीं महाराज प्रसाद है यह, हम कहा अच्छा लाओ हम कसम नहीं खाए, एक पूड़ी इतनी सब्जी यही मेरी भोजन है महाराज, ठीक अब किराया ना भाड़ा कहीं कुछ नहीं, अपने पास लगा के आओ लगा के जाओ और हजारों रुपए का कैमरे से काम करो, यह होता है। लेकिन वहाँ हमने रोखा में देखा, बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम मिला हमको। तो इस इलाके में हम ये देखते हैं कि 20 लाख को हम क्यों ना ये घोषित कर दें कि अयोध्या नगरी, 20 ब्लॉक जो है हम इसका नाम अगर कर दें हंसी मजाक में कि अयोध्या ब्लॉक इसका नाम रख दिया, कि इतना धर्म कर्म कहाँ है, शहरों में नहीं मिलेगा आपको, कस्बों में नहीं मिलेगा। और देहात में देखिया आचार्य जी हैं जो कैमरा लेके बना रहे हैं, सब संपन्न हैं, इस लोक जलाक में वो भागे चले आ रहे हैं। महेश जी मेरे बगल में बैठे हैं, मुरारी जी तो खैर इस इलाके को इन्होंने धर्म के प्रति लोगों को जगाया है बताया है। तो हम लोग यहाँ कौन से गांव का नाम है ये, नरहिया ग्राम मजलहा, नरहिया नरहिया, अच्छा नरहिया और डीह ब्लॉक जी, डीह ब्लॉक ठीक, ये राम बहादुर, राम बहादुर जी, राम बहादुर यादव जी हैं जी, यदुवंशी और क्षत्रिय लोगों ने ही तो ब्राह्मणों को आज जिंदा रखा है महाराज। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गण ध्वजा, मंगलम पुनरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलम कौशलेन्द्राय महिनी गुणाधे चक्रवर्ती तनुजा सर्वभौमाय मंगलम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थात के शरण की मिकी गोरी नारायणी नमस्ते नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारुमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णे वंदे जगद्गुरु। है कहां सामर्थ मुझमें आपके सम्मान की, किंतु निर्धन विदुर के मेहमान थे भगवान। लेकिन ये ना भूलिए आचार्य जी, कैमरा चल रहा है, राम बहादुर नाम है जी, राम बहादुर यादव में वो साहस है, वो इसके पास एक खजाना है कि इसको वो भारतीय परंपरा हजारों युगों की परंपरा आज उसको नसीब हुआ घर बैठे जी, थोड़े से प्रयास किया है बस घर बैठे इतना बड़ा पुण्य इसको मिल रहा है, ये मामूली बात नहीं है। तो यही सारी बातें हैं। तो नरहिया गांव है ये डीह ब्लॉक जी, तो ये डीह ब्लॉक में नरहिया गांव में यहाँ पर राम बहादुर यादव जी के घर पर हम लोगों का यहाँ उन्होंने चरण को पखारा, अभी हम लोगों को शरबत पिलाएंगे
इस बीचों बीच दोपहर में उनको बोला कर लाना, एक बहुत बड़ी बात है ये। इससे हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कार जो है, हमारे देश का कल्चर है, ऐ अमेरिका वालों, अरे जरा इस सीडी को देखो, इसको इंटरनेट पर हम भेजेंगे, देखो अमेरिका वाले केवल मंदिर बनवा लिया और पूजा कर दिया, अरे संस्कार तो लाओ पहले, अरे मनुष्य बनो, अरे धर्म की परंपरा को जीवित करो। इस संस्कार को देखने के बाद विदेशी लोग सोचेंगे कि वाह, अरे भारत क्या इंडिया है, क्या इंडिया है, ये इंडिया है। तो मेहमान को भगवान मानते हैं। तो कुल मिला के इस नरहिया गांव में राम बहादुर यादव जी, हम हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं और बहुत अच्छी बात है। और इसके मुख्य सर्वे सर्वा सारा श्रेय हमारा जा रहा है भाई। देखिए जो पावर हाउस है, अगर वही बंद हो जाए तो सारे बत्तियां बुझ जाती हैं, जनरेटर बंद तो सारी लाइन बंद। तो जनरेटर हमारे बगल में बैठा हुआ है, ये बड़ा बुद्धिमान आचार्य हो तो ऐसा हो, जितने आचार्य हैं वो सबक लें इनसे कि आचार का मतलब क्या होता है। काश अमरीका वाला डॉक्टर, वो तो आजकल पता नहीं वो कहाँ है महाराज। केबल लाइन राम सिंह, केबल लाइन पावर हाउस तो इनका कहो, केबल लाइन राम सिंह सही बात, नेटवर्किंग राम सिंह वही करने वाले, बुलाने वाले, लाने वाले। तो कुल मिला करके ये भारतीय हमारी जो ये परंपरा है, पौराणिक जो चला रहा है सब, उसको ये लोग जीवित रखे हैं तो धन्य हैं ये लोग। लोगों के दिल दिमाग में एक ही चीज भर जाती है, ए भैया पांच छठ है वही ललका फूल तोड़ा लाओ, महाराज जी का पानी, हमका लगी है प्यास, पहले पानी पी जाओ, मालाबार ठंडा ठंडा पानी गिरा तो मन में सोचा कि लगा ले। और ये भी देखना है, डॉक्टर साहब समय का अभाव है, इसको भी देखते हुए एक बज गया है चिरंजीव, बस केवल पानी में विलम्ब है। अच्छा और कोई आडम्बर न करे, खाना पीना कुछ नहीं। तो इन्हीं बातों को लोग सीखे और डी ब्लॉक, हम तो डी ब्लॉक में बाबा के पास सामने खड़े हो, ये खड़े ये भी अच्छा अच्छा देखो बाबा प्रसाद इसी गांव के निवासी। अच्छा हाँ लोटा दे दियो, यहाँ आओ, यहाँ खड़े तुम्हारा भी आ जाए। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ महाराज बोले। तो जो आप नजारे देखेंगे ये प्रभु, देखिए हमारे जो मैंने जो भी कार्य किया, आप भी तपस्या करेंगे, आपके साथ जो घटना घटेगी कि श्याम साधु के साथ वो घटनाएं घटती हैं, उसकी पिक्चर बनती है। उस पिक्चर को देखने के बाद शहर में रहने वालों, बड़े बड़े बाबाओं, करोड़ों में खेलने वाले बाबाओं, अगर कहीं डूब मरने की बात ना हो तो इससे सबक ले लो। और सबक लेके तुम भी ऐसा काम करो, अगर तुम बंबई और दिल्ली छोड़ नहीं सकते हो तो श्याम साधु को, बाबा मुरारी को कोई साधन भेजो। पैसा नहीं चाहिए, नो पैसा कमाना होता ना, मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकराया है, 25 लाख मिल रहा था, अखबार की न्यूज है, कहाँ तक आपसे बता मैं अपनी बात है। तो पैसा नहीं चाहिए, साधन चाहिए, ताकि हम लोग घर घर जाएं, गांव-गांव जाएं, और जा करके बच्चों को, आज कितने बच्चों को हमने उनके जीवन भर के लिए उनमें एक बदलाव पैदा कर दिया। जैसे रोखा गांव के बच्चे सुने, उनमें एक बदलाव आ गया। मैं चाहूँगा कि अब यहाँ मजलहा में अभी हमारा पेट भरा नहीं है, अब एक सबक बच्चों को बुला के देने के लिए, पानी उनी गिर जाए तो राम सिंह जी के घर पर मजलहा में या जहाँ लोग ठीक समझेंगे, जहाँ ये लोग ठीक समझेंगे वहाँ पर्यावरण के साथी हैं, वो पुल बर्बाद ना करें। तो बच्चों को उनको एक ज्ञान देंगे, बच्चों को ही सिखाना जरूरी है, मरना ये बड़े होंगे ये पुड़िया खाएंगे, ये पिक्चर देखेंगे, गलत इनकी चाल ढाल हो जाएगी। तो हम लोगों को ये बताना है, भैया वो लोटा हटा दीजिए, इनके पैर में टकरा जाएगा तो दिक्कत होगी। तो दुनिया को ये बताना है, लेना कुछ नहीं है, अगर ले लिया तो जो आप है वही मैं हूँ, नहीं है ना महाराज। पब्लिक में अंतर क्या,
पैसा नहीं चाहिए, गए करोड़पति बाबाओं क्या तुम्हारा नाम ले, टीवी में रोज आते हो ना, हमारे सवालों के जवाब देख रहे, उसका जवाब दे। निर्मल बाबा कितने बाबा है, पैसा कमा रहे हैं है? एक बाबा बौठल दास हमारे बगल में बैठा है, तपस्वी में आ रहा है, जरा 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 बाबा जी पैर नीचे लटकाओ, एक कैमरे के आगे ना ये बार बार झुक के आगे, ये देखिए नंगे पैर चलते हैं मुरारी बाबा, इस पैर में जूता चप्पल नहीं पहनते इस भयंकर गर्मी में, सोचिए अभी तक देखा। तो कुल मिला करके हम ये चाहते हैं कि जब पानी नहीं गिर जाएगा तो महीने में दो महीने में मैं मझलहा आया करूंगा, केवल आपको हमको वही भुए माऊ भगत गंज पहुँचा दो, हमें से उठा दो बस। अरे हम बिल्कुल पहुँचा, अब हमारे ना कोई आडम्बर है ना कोई बवाल है ना कुछ कुछ करने नहीं, दरवाजे तखट डालो, गांव भर के बच्चों को बुला लो, हाँ अगर हो सके तो जो बच्चे तुम्हारे दरवाजे जिसको जो बुलावे वो थोड़ा चना भिगो करके उनका घुघरी बना के तत्ता बच्चों को दे दे तो बाल भोज हो जाएगा, क्यों हमारी पूरी ताकत बाल भोज और बंदर भोज पर टिकी हुई है, बाल भोज बंदर भोज पर, जरा कैमरे के आगे थोड़ा आइएगा झुक कर, बाल भोज तो बच्चों को पंजीरी बनवा दीजिए, बच्चों को बांट दीजिए तो हमारा आना होगा, कैमरा भी बनेगा, सीढ़ी बनेगी, दुनिया देखेगी, दुनिया को मैं जगाऊंगा, मैं चैलेंज करूंगा, ए दुनिया वालों, ए बड़े बड़े धर्मात्माओं, बाबा बनते हो एसी में बैठते हो है? अच्छा मर्सिडीज से चलते हैं एसी एसी में मत बैठ, हमको बड़े गिलास में दीजिए बाबा, ब्राह्मण का पेट जो है छोटे में नहीं काम रही है, करके दिखाओ, तपस्या करो, जो कहोगे हो जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ कोई चमत्कार होगा, तब लोग पूछेंगे आप लाओ पानी शरबत जो है प्रसाद का नादन ना की हो, राजा कहीं कि यही नहीं, इनके हाथ का प्रसाद हम करना चाहिए खाए, सौ पुत्र न है राजा के, सब समाप्त हो गए, लेकिन जब गए दूसरे दिन तो ग्वाल वाल कहीं महाराज कल का तो प्रसाद हो गया, हम रोज पूछते हैं आज प्रसाद पाठ गए तो उनका जो राजपाट धन दौलत सिंहासन था वो सब फिर उसी तरीके हो गया, तो प्रसाद को कभी इनकार नहीं करना चाहिए, महाराज जी तो प्रेम के भूखे है, कोई भी आप काम करने चलेंगे तो आपका मनोबल गिराने वाले 365 राक्षस पैदा हो जाएंगे अपने आप है, जैसे जानवर के महीने नहीं चपता उपता आ जात का कोनो कतो लंदन से आवत है का अपने आप ससरे पैदा होते हैं उसके पसीने से, तो अपने आप मनोबल घटाने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे तब वही आपके अनुयायी बन जाएंगे, ये हमारी देश की परंपरा रही है जब तक कबीर रहे, कहता है कबीरवा तुलसिया वही का पूठे पतला जमुना में बहा गए, गांधी को गोली ईसा को सूली देने वाला यही देश तो है, तो अगर आप अपनी परंपरा से बरकरार रखेंगे तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, वही हमने देखा कि जितने देहात में जाइए उतनी आज भी धर्म
कायम है, जीवित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही जो है अब महीने में हमारी इच्छा होती है भाई जितने ही बच्चों को हम बदलाव लाएंगे उतना ही पुण्य हमको मिलेगा जी। तो इस इलाके से ही हमको बड़ा लगाव हो गया है जी, है ना। तो अपने भरतगंज रामगंज राम के भक्त कहिए है, चाहे भरतगंज से हमका उठा दे, भगवान कृपा करते हैं उस पर संत कृपा पहले करते हैं। तो संत की कृपा हो गई तो समझ लो कि भगवान